रजत प्लीज ऐसे मत करो प्लीज रजत सोनल कुछ कहना सुनना बाकी रह गया क्या हाँ तुम्हारा सारा झूठ सारा फरेब सबका पर्दाफाश हो चुका है मेरा यकीन सही निकला ये बच्चा मेरा नहीं है नहीं है ये मेरा बच्चा पापा पापा मैं सच कह रही हूँ मेरे यकीन कीजिए सोनल अपना ये नाटक बंद करो और मुझ पे एक मेहरबानी करो मुझसे इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारे याद मुझ तक ना पहुंच पाए गो नाउ पापा तुम यहां दोबारा कभी मत आना कभी मत आना जाओ नाउ लीव नमस्कार मैं सुशांत सिंह और मैं शम्स ताहिर खान सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं 8 फरवरी सन 2007 यही वो तारीख थी जब पुणे के रहने वाले रजत और सोनल विवाह के बंधन में बंधे थे और अब एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाला ये विवाहित जोड़ा पिछले 5 सालों से राजी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये नौबत आ गई किस फरेब और झूठ की बात कर रहा था रजत आखिर रजत और सोनल की जिंदगी में ये कैसा तूफान था क्यों रजत अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल रहा था आखिर रजत को ये यकीन क्यों था कि सोनल के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं उसके इस यकीन का आधार क्या था इन सवालों के जवाब निकलते हैं उस मोड़ से जो इन दोनों की जिंदगी में शादी के 3 साल बाद आया ये प्रसाद का जल खुद पीजिए और अपनी पत्नी को पिलाइए भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें सुनिए मुझे ऐसा लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान हमारी जरूर सुनेंगे ओम नमः शिवाय मिस्टर रजत ये कुछ रेगुलर चेकअप हैं आपको मैं लिख के दे रहा हूँ आप जांच करा लीजिए ये दवाइयाँ आप इन्हें रेगुलर दीजिए थोड़ा प्रॉब्लम है रिकवर कर लेगी वही दवाई है और तुम्हारी मुझे याद है मैं ले रही हूँ डॉक्टर ने कहा है नो स्ट्रेस मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा अच्छा क्या अब कुछ नहीं हो सकता कोई उम्मीद नहीं है निराश मत होइए रजत कुछ और टेस्ट करते हैं फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो हम कोई भी उपाय करें कुछ नहीं होगा ऐसा मत बोलो रजत मेरे विश्वास पे भरोसा करो तमाम जतन और पूजा पाठ के बावजूद सोनल की गोद नहीं भर पा रही थी रजत हिम्मत हार चुका था
वो तमाम नुस्खे आजमा चुका था, क्या डॉक्टर, क्या वैद्य, क्या हकीम, क्या दवा, क्या दुआ, पर सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। पर इसके बावजूद रजत की निराशा को सोनल एक अनजाने विश्वास की हवा दे रही थी। आइए माँ। सोनल माँ आ गई। माफी जी। थक गई हूँ तुझे आशीर्वाद दे देकर, पर इस कुल का दीपक जलाने वाला आज तक कोई नहीं आया तेरे पेट से। सोनल, तुम जरा चाय बना के ले आओ प्लीज। माँ तुम भी ना, अगर बच्चा नहीं हो रहा उसमें सोनल की गलती क्या है? हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है, जोरू का गुलाम जो मैंने पैदा किया है। अरे बूढ़ी हो चली हो, तुम लोगों का कोई बच्चा हो तो उसका नाम रखकर स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ो, पर लगता है मेरी आत्मा तो भटकती ही रहेगी। हाँ माँ तुम भी ना। कॉफी? नहीं पीनी है मुझे। देखो माँ तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, तुम उनकी बात पे ध्यान मत दिया करो। रजत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मम्मी जी बार बार मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हैं। अब अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा। किसे चैट कर रही हो? मेरा स्कूल फ्रेंड है विपुल, वो भी एक डॉक्टर है। अच्छा? हाँ, और अभी रिसेंटली पुणे में ट्रांसफर हुई उसकी। अच्छा सुनो, उसने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया, चलेंगे ना? ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे फ्रेंड से मिलने जाएंगे, डॉक्टर से नहीं। अच्छा योर कॉफी। थैंक यू। मिसेज राणे, आपका मोबाइल। वेलकम। ये क्या, ये लोग आ गए और तुमने मुझे बताया नहीं? सर आप बिजी थे। लेकिन मैंने कहा था ना बताने के लिए। हाय सॉरी सर, तुम्हें वेट करना पड़ा। हाय डॉक्टर विपुल, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। नो प्रॉब्लम। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो कोई ढंग से काम करता ही नहीं है। सुनो, आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन कर दो, ओके? जी सर। माय सिंसियर अपोलॉजीज वंस अगेन। नो प्रॉब्लम। प्लीज आइए। कम कम। याद है तुम्हें? एक्चुअली सोनल और मैं जैसे एक पैर ऑफ शूज हुआ करते थे, एक के बिना दूसरा दिखाई नहीं देता था। आइडियाज मेरे और एग्जीक्यूशन इसका था। कभी वाटर टैंक में कलर डाल देना तो कभी नोटिस बोर्ड पे अगले दिन की छुट्टी लिख देना। कम ऑन, सारी शरारत तुम्हारी हुआ करती थी। ये लो। तुम सचमुच बहुत शरारती थे। अभी तो बस याद ही है, मैं तो सोनल के पेपर से चीट किया करता था, इसी की वजह से हूँ। सच सोनल, I really missed you all these years. तो दोबारा मुलाकात हो चुकी है, कभी भी डिनर करने घर पे आ जाओ। हाँ श्योर, क्यों नहीं, डेफिनेटली। अच्छा सोनल, अबाउट द केस, रिपोर्ट लाइयो। कुछ और टेस्ट करने होंगे, बट यू गाइस डोंट वरी, मैं गारंटी देता हूं बहुत जल्द खुशी आपके घर पहुंचेगी। रजत आप भी सर इनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। इस दौरान मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी असर डाल सकता है। तो कल आप दोनों आ जाइए अराउंड 12 बजे। 12 बजे मैं ऑफिस में हूँ। हाँ कोई बात नहीं, एक्चुअली ज्यादा टेस्ट सोनल के होंगे, फॉलो चेकअप करना होगा। विल बी ओके टुमारो। ऑलराइट, सी यू टुमारो एट 12।
क्या हुआ है, यहाँ क्यों बैठे हो? क्या जरूरत थी? मैं थक चुका हूँ। पूजा पाठ, दुआएं, मन्नत मांगना, घर की शुद्धि, पर कुछ हुआ आज तक? तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती कि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है हमें नहीं मिलेगी? अच्छा, एक आखिरी बार, फिर मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर विपुल के पास रोज रोज नहीं जाऊंगा, वहां तुम्हें जाना होगा, मैं नहीं। सुनिए, आपका टिफिन। थैंक यू। कोई गुड न्यूज? आंटी जी ने बताया था कि आप लोग डॉक्टर के पास गए थे, सब ठीक ठाक है ना? हाँ तरुण, सब कुछ ठीक है, हम लोग बस वैसे ही कुछ टेस्ट करवाने गए। होपफुली हम तुम्हें जल्दी गुड न्यूज देंगे। चलता हूँ मैं। ओके, बाय। बाय। अरे यार, कब से वेट ही करा रहे हो? हाँ लेकिन कुछ भी हो, अपने फिगर का ख्याल रखना, पता है ना प्रेगनेंसी के बाद। आई कांट हेल्प इट, आई नो मेरा एक फैन कम हो जाएगा। अच्छा मुझे काम है, बाद में मिलते। ओके बाय। मम्मी जी आप क्यों कर रही हैं ये? मैं काटती हूँ ना। जो करना है वो तो कर नहीं पा रही थी, मुझे दो वक्त की रोटी से ज्यादा ना अपने वंश की चिंता है, उस पर ध्यान दे। और अगर यही हाल रहा ना तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो सोनम, हम लोग सिर्फ डॉक्टर पेशेंट नहीं है बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे बताओ। बता, किस बात की परेशानी है तुम्हें? कुछ नहीं यार, वही सास बहू का ड्रामा। मम्मी जी समझती नहीं, जब देखो तब एक ही रट लगाए रखती है, बच्चा बच्चा बच्चा। अब अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर से रजत, वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं मेरे साथ। यू नो व्हाट, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है नोबडी केयर्स अबाउट मी, मेरे फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है। अब तो मुझे अपने आप से शर्म आने लगी है, घुटन होती है मुझे। आई नीड अ बेबी। डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बाय द वे, तुम्हारे रिपोर्ट्स आ गई, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करती जाना। एनीथिंग, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए। डोंट वरी, तुम्हारी ख्वाहिश जल्द ही पूरी होगी, देखना बहुत जल्द तुम इस शर्म और घुटन से छुटकारा मिल जाएगा। ओके कम। सोनल, तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाएगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। Are you sure? Of course, बस तुम्हें यहां रेगुलरली आना होगा। और हाँ, don't forget to make relation with your husband tonight. Okay? ध्यान रहे, तुम्हारी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ओके? ओके डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से कोई चूक नहीं होगी, आप जब कहोगे मैं आ जाऊंगी। गुड, लीव द रेस्ट टू मी। ओके? या जल्दी करो, देर हो रही है। बस आ गई। मम्मी जी, आप कुछ दिन और रुक जाती? सुना घर काटने को आता है मुझे,
और दिन रहकर क्या करूंगी? एक इच्छा थी मेरी, वो भी तो तुमसे पूरी नहीं हो रही। भगवान ने चाहा तो अगली बार आप जब आएंगी तो मेरे लिए आपके मन में कड़वाहट कम हो चुकी होगी। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मम्मी जी, मेरी खुशियां आपकी आशीष की मोहताज नहीं है। देखिएगा, मेरी कोक आपके आशीर्वाद के बिना फलेगी। सोनल, चल बेटा, अब यही सुनना बाकी रह गया था। सब जानते बूझते किस बात का अहंकार दिखा रही है। आइए। बिल्कुल ठीक किया तुमने, ये तो एब्सोल्यूट टॉर्चर है। खैर, आर यू रेडी? गुड, कम। हाँ, मैं पहुंच गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग विपुल। सोनल, माँ से इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी को मुझे इस तरह से ताने देने की क्या जरूरत थी? इज इट माई फॉल्ट? देखो, जो बात हो नहीं सकती उसके बारे में इतना बढ़ चढ़ के बोलने का क्या मतलब है? हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट इट? वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। कितनी नेगेटिविटी है तुम्हें? नेगेटिविटी नहीं है, आई एम श्योर दैट्स इट। ग्रेट, यही तो नेगेटिविटी है। तुम्हें भरोसा हो या ना हो, मुझे पूरा यकीन है मेरी कोक भरेगी। विपुल इलाज कर रहा है ना? और उसके इलाज से कुछ मैजिक हो जाएगा ना, है ना? सोनल, गलतफहमी से निकलो प्लीज। Really? I'm so happy. And I'm sorry as well. Daddy's sorry. Huh? मैं माँ को फोन करता हूँ। आप दादी बनने वाली हो? हैं? हाँ। जरा बहू से बात करा बेटा। बात करो, बात करो। हेलो। प्रणाम माँ। जुग जुग जियो बेटा। दूधो नहाओ पूतो फलो। मेरी आशीष तुम्हारे साथ है। बस एक पोता हो जाए तो। मामी जी, अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। लेकिन लड़का हो या लड़की, कम से कम हमें संतान का सुख तो मिल रहा है। हाँ वो भी है, पर मैं बहुत खुश हूँ। जी क्यार? जी अच्छा बेटी, अपना ध्यान रखना। बड़े दिनों में आ जाऊंगी मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। आखिर मेरे कुल का दीपक जो ला रही हो। ओके मम्मी जी, रजत आपको लेने आ जाएंगे। तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैंने कहा था। थैंक यू। I'm pregnant. मैं तुमसे कहा था, तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर मिलेगी। Congratulations. Thank you so much. Thanks to you, Vipul. Thank you so much. You're welcome. Happy? Very happy. रजत, एक रेयर डिजीज है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम कभी पिता नहीं बन सकते हो। अब खुद ही इंटरनेट पे देख लो, अगर आप पिता बनते हैं तो ये भगवान का चमत्कार है। टू बी फ्रैंक, मैं चमत्कारों पर विश्वास ही नहीं करता। अगर रजत किसी रेयर बीमारी की वजह से पिता बन ही नहीं सकता था तो फिर सोनल के गर्भ में बच्चा आया कैसे? क्या सोनल रजत को धोखा दे रही थी? और अगर हाँ तो फिर कौन था वो शख्स? इन सब सवालों से घिरे रजत ने आखिरकार सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि सोनल के इरादे क्या हैं। क्या वो कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही थी या फिर ये कोई गहरी साजिश थी? Oh, hi. Hi.
कोलकाता गया था, वहाँ से तुम्हारे लिए खजूर गुड़ लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? Of course, that's really sweet of you. Thank you so much. Next time और ज़्यादा लेके आना. Women always complain. तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे तुम्हारी हर छोटी खुशी में हाजिर रहा, तुम इसे नकार सकते हो? ये बात तो सही कह रहे हो. This time you're right. अच्छा आप रजत आने वाले हैं, उनके लिए स्नैक्स बनाने हैं. बस 5 मिनट, एक चाय मिल जाती. All right, come in. अच्छा तरुण, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से और ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, चाय अच्छी लगी तो एक और मांग लिया. पक्का? तरुण तुम इसी बात यहां से चले जाओ. सब ठीक तो है ना? मेरी एब्सेंस से मेरे घर पे कोई नहीं आएगा. रजत क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सोनल अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो इसी वक्त कह सकती हो. मतलब? मतलब तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? छुपा रही हूँ? क्या कह रहे हो रजत, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? तो तुम मुझे नहीं बताओगी? बताना क्या है रजत, क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तरुण को लेकर तुम्हारे मन में? जस्ट लीव इट. रजत अरे नहीं ऐसा नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला. ओके अच्छा मैं फोन करती हूँ. किससे बात कर रही थी? अपने बॉयफ्रेंड से. क्यों, कोई प्रॉब्लम? फोन दिखाओ. नहीं. फोन दिखाओ. क्यों रजत, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? किसका मैसेज है? किसी का नहीं, मुझे तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. मैं तुम्हें कल 11 बजे मिलूंगी. ठीक है, गुड नाइट. किसके लिए इतना मेकअप कर रही हो? तुम्हारे लिए और किसके लिए? मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लंच पैक कर दो जल्दी. बाय.
हाय सोनल, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? आप सीट बैठो ना। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हुआ क्या? जब से मैंने रजत को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज दी है, मुझ पे शक करने लगे। मैं कहां जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, हर बात की खबर कर रखने लगे। I don't know what's wrong with him. ये तो गड़बड़ हो गई। एक काम करते हैं, हम लोग आइंदा यहां नहीं मिलते। As you say. चलो कहीं बाहर चलते, कम let's go. See. हेलो, कहाँ हो? मैं रचना के घर आई हूँ। बोलो क्या हुआ? बस ये बताने के लिए कि रात को लेटा हूँ। After a long time, मुझे याद है your favorite pizza from the college days. हेलो, कहाँ हो? मैं मार्केट आई हूँ, थोड़ी देर में आने वाली हूँ। बोलो क्या हुआ? बस कुछ नहीं, थोड़ा फास्ट फूड खाने का मन कर रहा था। रात को घर आते वक्त पिज्जा बेस ले आना। क्या हुआ? आप कुछ नहीं, मैं ले आऊंगी। ओके बाय। रजत, क्या है ये? कैसा था? अच्छा नहीं था ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम कहाँ थी? मैंने कहा था ना, रचना के घर। रचना के घर गई थी कि पिज्जा शॉप में गई थी? What do you mean? Well, know what I mean. ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। I'm giving you a last warning. बता दो, सच्चाई क्या है? सच्चाई? कैसी सच्चाई? क्या जानना चाहते हो तुम? किसका बच्चा है? तुम्हें क्या लगता है किसका है? ऐसा इल्जाम लगाने के पहले एक बार सोच तो लिया होता। बहुत सोचने के बाद मैं यहां तक पहुंचा। तुमने बहुत झूठ बोल लिया, ना तुम्हारी और ना तुम्हारे इस बाप और घिनौनी हरकत की इस घर में कोई जरूरत है। I just can't believe this. तुम्हारी सोच इतनी गिर जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी सोच नहीं गिरी हुई, तुम्हारी हरकत गिरी हुई है। तुम क्या समझती थी तुम किसी और का बाप मेरे पल्ले पार दोगी? क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो रजत, what's wrong with you? तो फिर ठीक है, तुम पेटर्निटी टेस्ट करवा लो और तुम मुझे यकीन दिलाओ कि बच्चा मेरा है, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। पेटर्निटी टेस्ट? Yes. No way. ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बच्चा तुम्हारा है। मुझे जरूरत है इस टेस्ट की मैडम। I'm giving you a choice. टेस्ट या फिर डिवोर्स, दैट्स इट।
दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ठीक है, चले जाओ। I will not call you. चले जाओ वहाँ से। देखो बेटी, शक अपनी जगह है। अगर तुम सही हो तो फिर सांच को आंच क्या, करा लो टेस्ट। हर युग में सीता ही क्यों नहीं परीक्षा दी। तंग आ गई हूं मैं रजत के रोज रोज के इल्जामों और शख्स। बेटी, वो ऐसा क्यों कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो वजह होगी। वजह है और यह है वो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। पूछिए अपनी बेटी से, किसका बच्चा ले घूम रही है वो? आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बेटा, जरूर कोई गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है, मैं तो पागल हुआ जा रहा हूं। आप बताइए मैं क्या करूं? इस रिपोर्ट के पोस्टर छपवा के गली गली में लगवाऊं? मैं बाप नहीं बन सकता, मेरी बीवी मां बनने वाली है। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरे संस्कारों ने रोक रखा है। छी। रजत और सोनल के बीच आई ये दरार लगातार चौड़ी होती जा रही थी। रजत को अब यकीन हो चला था कि उसे पिता होने का सुख अब कभी नहीं मिलेगा। इसी बीच सोनल का गर्भवती होना उसके लिए शक की बात थी। ऊपर से सोनल का बार बार रजत से झूठ बोलना, टेस्ट के लिए झिझकना शक को और भी गहरा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर क्यों सोनल डॉक्टर विपुल से अपनी मुलाकात की बात बार बार अपने पति रजत से छुपा रही थी। कोई जरूरत नहीं किसी टेस्ट की, तुम कोई टेस्ट नहीं करवाओगी, समझी तुम? हद कर दी रजत ने। इस तरह के सवाल वो तुमसे पूछ भी कैसे सकता है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, थोड़ा सा वक्त दो, उसे उसकी सारी दलीलों का जवाब मिल ही जाएगा। पापा आप यहाँ? बेटी तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ पापा? कुछ जरूरी काम है, चलो। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में लगातार हो रही तरक्की ने हमारी जिंदगी के मायने ही बदल दिए हैं। जीवन को एक नया आयाम दिया है चिकित्सा शास्त्र ने। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और मेडिकल साइंस की तरक्की का ये दूसरा पहलू आज हमारे निजी जीवन में भी दखलअंदाजी कर चुका है। आज कई बार रिश्तों में पैदा हुआ अविश्वास भरोसे और भावनाओं के जरिए नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की तकनीक द्वारा दूर किया जाता है। नतीजा, अंतरंग प्रेम संबंधों में अविश्वास और दूरियां बढ़ने लगे हैं, और इसी अविश्वास का नतीजा है मेडिकल साइंस का नया कारनामा पैटर्निटी टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जिसके द्वारा यह तय किया जा सकता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का प्राकृतिक पिता कौन है, और यह किया जाता है डीएनए सैंपलिंग द्वारा, यानी गर्भ में पल रहे शिशु का डीएनए सैंपल और फिर पिता का डीएनए सैंपल, इन दोनों की तुलना की जाती है। लेकिन यह टेस्ट तभी किया जा सकता है जब गर्भ में पल रहे शिशु की मां इस बात की इजाजत दे। और अब रजत, सोनल और सोनल के गर्भ में पल रहे बच्चे का भविष्य इसी टेस्ट पर टिका था। सोनल, कुछ कहना सुनना बाकी रह गया क्या? हाँ, तुम्हारा सारा झूठ, सारा फरेब, सबका पर्दाफाश हो चुका है। मेरा यकीन सही निकला, ये बच्चा मेरा नहीं है। पापा, पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन कीजिए।
सोनल, अपना ये नाटक बंद करो और मुझ पे एक मेहरबानी करो। मुझसे इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारे यहाँ पे मुझ तक ना पहुंच पाए। गो नाउ। पापा। तुम यहां दोबारा कभी मत आना, कभी मत आना। जाओ नाउ, लीव। हेलो, पुलिस स्टेशन। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम्हारी कोई कदर नहीं वहां पर। लेकिन अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो सब छोड़ छाड़ कर यहां चली आई। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा जिंदगी भर। लेकिन ये सब होने से पहले उस आदमी से तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, कह दिया उसने, ना घर का सुख, ना परिवार का प्यार, ना बच्चे का प्यार, किसी चीज के। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया बोलो? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी खुशी दी। खुशी? खुशी नहीं, तुमने मुझे दुख दिया है जिंदगी भर का, जिसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं। दोस्ती के नाम पे तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? मैंने? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया सोनल। झूठ मत बोलो डॉक्टर विपुल। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हें पाने के लिए सोनल। मेरे पुणे आने का मकसद भी तुम ही हो। मैंने यहाँ का ट्रांसफर भी तुम्हारे लिए लिया है। घिनाती है मुझे, घिनाती है सोचकर कि मैंने तुम जैसे घिनौने इंसान को अपना दोस्त समझा। दोस्त? दोस्ती सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मैं रजत को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। उनसे माफी भी मांगूंगी, और अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले बिता दूंगी। लेकिन तुम जैसे घिनौने इंसान के साथ एक पल भी नहीं बिताऊंगी। तुम्हारे अंदर मेरा अंश पल रहा है, मेरा अंश। तुम्हें मैं अपने आप से दूर कैसे होने दूं? कैसे? नहीं सोनल, नहीं जाने सर। सोनल, सोनल मेरी बात सुनो, सोनल मेरी बात सुनो। आपने बहुत अच्छा किया जो हमें टाइम पे इन्फॉर्म किया। उसे पा तो नहीं सका, लेकिन मेरा बच्चा है ना, मेरा बच्चा रहेगा हमेशा उसे मेरी याद दिलाने के लिए। कहते हैं कि तीन लोगों से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, पहला डॉक्टर, दूसरा टीचर और तीसरे माँ बाप। इन लोगों से छुपाई गई कोई भी समस्या आगे चलकर मुसीबत की वजह बन सकती है। सोनल ने भी डॉक्टर विपुल को अपनी समस्या बताकर कोई गलती नहीं की थी, वो उसका दोस्त भी था, लिहाजा भरोसा लाजमी था। लेकिन डॉक्टर विपुल ने सोनल के साथ जो कुछ किया वो न सिर्फ भरोसे का खून था, बल्कि डॉक्टरी के पेशे पर धब्बा भी। अपने प्रोफेशन के नाजायज इस्तेमाल और अपनी मरीज सोनल को धोखा देकर उसे अपना शिकार बनाने के जुर्म में डॉक्टर विपुल को आईपीसी की धारा 498 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सोनल बेकसूर थी और साथ ही बेकसूर था उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा, इसलिए रजत ने उस बच्चे को सोनल का अंश मानकर स्वीकार कर लिया। 5 महीने बाद सोनल ने एक बच्ची को जन्म दिया। माँ बाप होने का यह एहसास सिर्फ अपने बच्चों तक ही सीमित नहीं, ये पाक एहसास तो किसी भी बच्चे की मासूम सूरत में तलाशी जा सकती है। बदकिस्मती से बहुत से दंपत्ति ऐसे हैं जिन्हें माँ बाप होने का सुख नहीं मिलता। कुदरत का यह अनमोल तोहफा उनके हिस्से में नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पाने के लिए इंसान अपने रिश्ते में कड़वाहट खोल ले। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे दंपत्ति सही तरीके से किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं,
और जो प्यार और खुशियां आप अपने बच्चे को देना चाहते थे उससे किसी अनाथ का जीवन खुशहाल कर सकते। एक और अहम बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। हमारे समाज में अक्सर संतान न होने पर सारा दोष महिलाओं के माथे मढ़ दिया जाता है, उन्हें ताने दिए जाते हैं, समाज और परिवार से उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। इस केस में भी सोनल की सास लगातार उसे ताने देती रही, जबकि सोनल का कोई दोष नहीं था। नतीजा ये हुआ कि सोनल जबरदस्त दबाव में आ गई और उसके इसी दबाव का नाजायज फायदा उठाया डॉक्टर विपुल ने। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में हम औरतों को इल्जाम देने की अपनी आदत छोड़ दें, वरना ये आदत और ये सोच नई संभावनाओं को तो नहीं लेकिन हाँ जुर्म को मौका जरूर देती रहेगी। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।